नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo T15G versus Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो T15G में 6.46 इंच जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो T15G में 2.98 इंच जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो T15G में 0.32 इंच जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 0.32 इंच की थिनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो T15G में 187 ग्राम्स जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 202 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि T15G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो T15G में IPS LCD जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो T15G में 6.58 इंचेस जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन T15G में 1080x2408 और Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो T15G में 84.09% जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 86.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो T15G में 401 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो T15G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 11 Pro Plus 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो T15G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 11 Pro Plus 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो T15G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi Note 11 Pro Plus 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 619 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो T15G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो T15G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो T15G में Android V12 जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो T15G में दो कलर्स जबकि Redmi Note 11 Pro Plus 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो T15G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,990 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,990 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 11 Pro Plus 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo T15G में सात फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G की तो उसमें आठ फायदे और सात नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11 Pro Plus 5G आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11 Pro Plus 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 है, दूसरा Infinix 08i है, तीसरा Samsung Galaxy F62 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A52 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।